मैं अनु उड़ान वेतनु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि लौकी कितना ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। फ्रेंड्स, लौकी के कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है और आप सभी भी घर पे ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, किचन में मैं आप सभी से मिलती हूँ लौकी के कोफ्तों के साथ। दोस्तों, मैंने एक बड़े साइज का लौकी लिया हुआ है। लौकी का छिलका मैंने निकाल लिया और उसको 2-3 टुकड़े में कट कर लिया। अब उसका मैं कद्दूकस करके निकाल लूंगी। कद्दूकस होने के बाद उसे कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। 10 मिनट बाद उसमें मैंने मिलाया बेसन, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। इन सारे चीजों को मिलाने के बाद मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया। मिक्स होने के बाद अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा जीरा। जीरा मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो मिर्ची डाल भी सकते हैं और अगर मन नहीं है तो ना डालें। मिर्ची और प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका शेप अगर आप चाहें तो गोल गोल भी रख सकते हैं या फिर जिस तरह से मैंने बनाया है उस तरह से चपटा भी रख सकते हैं। अब हम लेते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और कोफ्तों का शेप मैंने चपटा रखा हुआ है और मैंने कढ़ाई पे अभी तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा पकने के बाद अब इसे पलटी करेंगे। दोस्तों, हमेशा धीमे आंच में पकाएं ताकि खाना ज़्यादा स्वादिष्ट बने और अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है। ये देखिए, मेरे कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम सब्जी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल में मैंने थोड़ा सा प्याज पहले ही काट के रखा हुआ था, प्याज मैंने डाल दिया है और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। दोस्तों, मैंने अभी इसमें डाला अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट जो कि मैंने पहले ही ग्राइंड करके रखा हुआ था और इसे अब थोड़ा देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। अब इसमें मैंने डाला नमक, थोड़ी सी हल्दी, मीट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, करी मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऐसे ही सब्जी में डाल दिया है मसाला पाउडर, लेकिन आप जब भी मसाला पाउडर यूज़ करें तो सबसे पहले एक प्लेट में निकाल के उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके तब जाके ही मसाले में डालें ताकि उसमें गांठे ना बने। और अब मैंने इसे अच्छे से पका के बस थोड़ा सा पानी डाल के खोलने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो हमने जो कोफ्ते बनाया हुआ था उन सारे कोफ्ते को यहाँ पे डाल देंगे और अगर आप चाहें तो सूखा खाने के लिए भी रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया हुआ है। आप जरूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। दोस्तों, ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और ये लग चुकी है हमारी थाली। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ दोस्तों नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।